नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आपके निवेश की बेहतरीन रणनीति के लिए। आपको अलग अलग मोर्चों पर निवेश के नए तौर तरीकों में किन बातों का रखना है ध्यान और कौन सी गाइडेंस आएगी आपके काम, ये सारी बातें इस मेगा शो में हम आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट आपका बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आज के शो में क्या है खास, फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर टैक्स के मोर्चे पर आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। बेहतरीन रिटर्न के साथ टैक्स फ्री इनकम का डबल फायदा आपको कैसे मिलेगा, आज के शो में आपका टैक्स भी बचेगा और इसके साथ ही मुनाफे की भी बात होगी। जानिए निवेश और रिटर्न पर टैक्स का पूरा गणित हमारी खास चर्चा में। इसके अलावा लक्ष्यों के हिसाब से आप कैसे एक्सपर्ट के पसंदीदा फंड्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा और घर के लिए बजट प्लान आपका किस तरह से होना चाहिए, ये सभी आपके सामने रखेंगे। और आज है विमेन वेंसडे, जी हाँ बुधवार, महिलाओं के लिए खास शो हम लेकर आते हैं। आधी आबादी के साथ आर्थिक आजादी के बाद महिलाओं के लिए बजट निवेश का मंत्र हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं अपना बैलेंस पोर्टफोलियो। रोज की तरह हम आपको बताएंगे कि आप अपना बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इस लिहाज से निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े आपके सवाल हो तो हमें भेजें बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर आप सवाल हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें। आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जिस अहम चर्चा की शुरुआत करेंगे उसमें हम अपने पहली जो मेहमान है, खास एक्सपर्ट है, उनको शामिल करते हैं। श्वेता रजानी है, हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल्थ से। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले यही है कि आखिर आर्थिक लक्ष्यों को लेकर, बचत को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर हमारी प्लानिंग होनी कैसी चाहिए, और इन सब के बीच में अगर हम बात करें अपने पहले टॉपिक की जहां पर हम टैक्स फ्री इनकम की बात करते हैं, जहां हम टैक्स बचाने की भी बात करते हैं, अपने फायदे की भी बात करते हैं, तो ज़रा बताइए बेसिक्स क्या है। हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है मैं कहूंगी, क्योंकि कई बार हमको लगता है हम हम इन्वेस्टमेंट्स तो कर लेते हैं और हमको लगता है टैक्स के लिए हम साल के अंत में देखेंगे हमें क्या करना है, पर ये मैं कहूंगी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं उसी समय आपको सोच लेना चाहिए कि किन प्रोडक्ट कैटेगरी में प्री टैक्स रिटर्न और पोस्ट टैक्स रिटर्न दोनों ही हमारे लिए अच्छा है। हमें ऐसे प्रोडक्ट में नहीं निवेश करना चाहिए जहां हमें टैक्स के पहले तो 16% की रिटर्न बन गई लेकिन हमने वहां 30% की टैक्स दे दी, तब आपने क्या बनाया, आपने 11% की रिटर्न बनाई। लेकिन यही अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं जहां 12% बन गया लेकिन आपने 10% की ही टैक्स दी, तब भी आपने 11% की पोस्ट टैक्स की रिटर्न बनाई, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसीलिए जब आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं, जब आप अपनी रणनीति बना रहे हैं, तभी उसी स्टेज पे टैक्स को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से पूरे साल में, साल की शुरुआत में अगर आप ये कर लेंगे ना, तो साल भर में आपको ऐसे कई स्ट्रेटजीज, कई रणनीतियां मिलेगी जहां आप टैक्स की भी बचत कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। और ये एक, जैसे मैं कहूंगी ये साल में एक बार साल के अंत की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, ये शुरुआत से साल भर में अप्लाई की जाए ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए अब श्वेता जी ये बताइए कि क्या वो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में जहां पर हम टैक्स बचा सकते हैं, क्या वो स्कीम्स होती हैं और किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, पहले तो आते हैं अगर मैं डेट के ऑल्टरनेटिव अगर देख लूं, तो हम सब जानते हैं कि पिछले साल
डेट फंड्स की टैक्सेशन बदल गई थी और वो 30% मार्जिनल टैक्स रेट पे चले गए थे, लेकिन उनका एक ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि आप आर्बिट्राज फंड देख ले, या इक्विटी सेविंग फंड ले ले, जहाँ पे जो डेट कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपकी टैक्स नेट नेट आके आपको 10% की पड़ती है ओवर अ लॉन्गर और मोर देन 1 ईयर टाइम होराइजन। तो ये एक तरीका हो गया जहां आपने टैक्स बचत कर ली, लेकिन आपको जो पोस्ट टैक्स रिटर्न मिला वो डेट के हिसाब से ज्यादा मिला, एफडी के जगह से बेहतरीन रिटर्न मिल गया यहाँ पे। दूसरी आपकी ईएलएसएस स्कीम्स होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की जो कैटेगरी हम कहते हैं, वहां पे आपका जो सेक्शन है सेक्शन 80C, उसके अंडर हर साल में आपको 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो अगर आप ईएलएसएस कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां 1.5 लाख की आपकी बचत हो गई टैक्स की। इसके अलावा आप कुछ रणनीति जो अप्लाई कर सकते हैं, कई बारी आपने देखा होगा लोग आज भी डिविडेंड प्लान में निवेश करते हैं कि हमें यहाँ से डिविडेंड आ रहा है, पर वो डिविडेंड आपको मार्जिनल टैक्स रेट पे लग जाता है। तो डिविडेंड प्लान पे ना ऑप्ट करके आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करें कि जब जब आपको पैसे चाहिए आप तब कुछ यूनिट्स अपने स्कीम के निकाल दें, वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कर सकता है अपनी टैक्स इंप्रूव करने के लिए पोर्टफोलियो में। ठीक है। ये बताइए श्वेता जी एक चीज़ कि आखिर कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं या टैक्स की जब हम प्लानिंग करते हैं हम अपने इनकम और बाकी चीज़ों के मामले में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार हम टैक्स में जो बचत होनी चाहिए उससे महरूम रह जाते हैं। जी, अगर आप सैलरीड इन्वेस्टर हैं तो जैसे मैंने कहा 80C के अंडर जो आपको 1.5 लाख की एक बेनिफिट मिल जाती है उसका फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए, जो हम काफी हद तक नहीं करते हैं। इसके अलावा 50,000 अगर आपने पेंशन में डाल रखा है तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तीसरी, कई बारी हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं चुनते, बट वहां पे आपको फिर से एक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है और वहां पे रिटर्न भी अगर देखे तो 8.25% के आसपास का आज आपको मिलता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन होती है साल भर में, अगर एम्प्लॉयर 7.5 लाख तक आपको पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी एक लिमिट तक वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये 1.5 लाख के अलावा जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। एक चौथी चीज जो हम कर सकते हैं, जहां जहां अगर आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वहां पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे है ना, आप प्लान कर सकते हैं कि हम एक एडुकेशन लोन ले लें और आगे जाके उसे पे करें, उसका एक फायदा मिल जाएगा। तीसरी या चौथी एक चीज, साल में 1 लाख तक का अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो वहां आपको टैक्स नहीं लगता। तो हर साल ये 1 लाख का फायदा हमें उठाना चाहिए, जो काफी लोगों को नहीं पता होता और वो नहीं करते। और तो ये 5 ही बहुत ही कॉमन चीजें हैं, पर कई बारी छूट जाती है हमसे, अगर ये भी हम करेंगे ना तो हमें काफी फायदा हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में आपको क्या लगता है कि जो ये ईएलएसएस है इसमें आमतौर पे एक परसेप्शन ये है कि जिस तरह का आप चाहते हैं रिटर्न उस तरह का रिटर्न नहीं मिलता, बड़ा सेफ रिटर्न आपको मिलता है, इस नज़रिए पे आपकी क्या राय है? जी, देखिए ईएलएसएस वैसे जो कैटेगरी है वो तो इक्विटी या स्टॉक्स में ही निवेश करती है आगे जाके, और यहाँ पर 3 साल का लॉक इन है, जो मैं कहूंगी एक तरह से अच्छा है, बिकॉज ये आप डिसेंट टाइम है इक्विटी को आप ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर हम 3 साल की बात करें या 5 साल तक अगर इसको हम इन निवेश करें रखें तो ईएलएसएस की कैटेगरीज में आपको 13-14% की रिटर्न मिलना एक बहुत ही पॉसिबल प्रोबेबल सिनेरियो है। अब अगर मैं ईएलएसएस को बाकी के जो आपके ऑप्शंस हैं उनसे कंपेयर कर लूँ, तो अगर आप पीपीएफ में निवेश करेंगे तो आपको 7% के आसपास, सुकन्या समृद्धि में भी
7-7.5% के आसपास की रिटर्न मिल जाती है। ये सारे आपके सेक्शन 80C वाले ऑप्शंस हैं, तो उनके कंपैरिजन में ELSS मैं कहूंगी एक बेटर स्कोर कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपका लॉक इन 3 साल का है जो बाकी ऑप्शंस के अलावा कम है। यहाँ पे जो आपकी रिटर्न है वो 12-14%, वो भी बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा है, और टैक्स का फायदा आपको हो जाता है। तो तीनों ही फायदे हैं ELSS के लिए, तो मैं तो जरूर रेकमेंड करूंगी कि ATC के ऑप्शन के लिए आप ELSS करें। श्वेता जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातें रखीं। अब कई बार ऐसा होता है कि निवेश और टैक्स सेविंग, इन दोनों चीज़ों को अक्सर लोग मिक्स करते हैं और इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो बताएं, निवेश और टैक्स प्लानिंग, ये साथ साथ जब चलते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, और उसमें थोड़े बहुत जो आपको नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं वो क्या हैं? जी, मैं पहले फायदे गिना देती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, फायदा ये रहेगा कि अगर आप दोनों चीजें साथ में ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं जाएंगे जहाँ आपको 30% की टैक्स लग सकती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड की हम बात तो करते ही हैं, काफी निवेशकों ने सुना होगा PMS करके एक प्रोडक्ट कैटेगरी भी रहती है। अब PMS में अगर आपने, आपके फंड मैनेजर ने कुछ भी खरीदा या बेचा, वहां पे आपको 15% की टैक्स लग सकती है अगर वो 1 साल के अंदर हुआ। यही म्यूचुअल फंड में नहीं लगता, तो म्यूचुअल फंड टैक्स के हिसाब से एक बेटर निवेश रणनीति होगी या प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप दोनों ही चीजों को साथ में देख रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की चॉइस बेटर होगी। दूसरी बात, एसेट एलोकेशन, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन दोनों को साथ में रखेंगे, तब तो आप ये देख लेंगे, ELSS इक्विटी का ऑप्शन है लेकिन यहाँ रिटर्न ज्यादा बन सकता है, टैक्स मेरी उतनी ही बचेगी। अगर मैं डेट के ऑप्शन ले लूंगी PPF, वहां पे मेरा रिटर्न कम बन सकता है। तो एसेट एलोकेशन की डिसीजन में भी ये आपको बहुत मदद करेगा। तीसरा, कई बार ही होते हैं, जैसे रियल एस्टेट घर खरीदे होते हैं लोगों ने, जहां पे लॉस पे चल रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिल जाती है, तो वो आप वहां कहीं ना कहीं एक लॉस बुक कर सकते हैं जो अगले 7 साल तक आप गेन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं और टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं दोनों को साथ में रखते हुए अपनी डिसीजन लेना। अगर मैं कहूंगी एक डाउनसाइड जो हो जाता है, आप एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं, तो ये सोच के कि मुझे कहाँ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मैं वही निवेश करूं, इस चक्कर में हो सकता है कि आपकी एसेट मिक्स गलत चली जाए। तो ये एक चीज मैं कहूंगी कि जोखिम की बात होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बस। ठीक है, तो इन बातों का खास ख्याल रखिए, और ये एक तरह से आपको हमने टैक्स के मोर्चे पर तमाम बातें बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी, आपकी तमाम जो शंकाएं हैं उनका समाधान निकालने की ये हमारा प्रयास था। चलिए श्वेता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार समीर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और दर्शकों के सवालों और जवाब का सिलसिला शुरू होगा, और इन सब पर चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चर्चा की हम शुरुआत में ही बता दिया था हमने आपको कि आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस चर्चा में शामिल करेंगे, और इस चर्चा में आपके सवालों का जवाब देने के लिए श्वेता रजानी तो हैं ही हमारे साथ, हमारे साथ शमीर शाह भी जुड़े हैं, हेड ऑनलाइन बिजनेस हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो समीर जी, पहला सवाल आपसे ही होगा, हम अपने पहले जो दर्शक हैं उनको ज़रा जोड़ते हैं। सुभाष सिंह हमारे साथ हैं। सुभाष जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप, किस शहर से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं JNK उधमपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं। सर मैंने अपनी डिटेल भेज दी थी, एक्चुअली मैं मेरा पोर्टफोलियो में ये जानना चाहता था कि इसमें मैं कुछ एडिशन करूं या कुछ इसमें
कौन कौन से फंड, मैंने डिटेल भेजी थी शायद आपके पास। जी जी आपकी डिटेल है हमारे पास, जरा मुझे ये बताइए कि कुछ आपका लक्ष्य है क्या कि आप किसी समय सीमा में इतना पैसा अर्जित करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं? जी सर एक्चुअली मेरे पास कुछ 10 साल का टाइम है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ के करीब तक। ठीक है, ठीक है। तो समीर जी आपके पास तमाम डिटेल सुभाष की होगी, 10 साल का इनका नज़रिया है और 1 करोड़ तक की जो राशि है वो अपना कॉर्पस ये चाहते हैं, बताइए क्या होगी इनको सलाह? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। सुभाष जी का क्वेश्चन, सुभाष जी का पोर्टफोलियो हमने एनालिसिस किया, हमारे एंड से पहला सजेशन ये है पोर्टफोलियो में बदलाव का सजेशन की बात करते हैं। तो आदित्य बिरला लाइफ का जो आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी में से आप स्विच करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, ये आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। दूसरा हमने देखा है कि आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का फोकस इक्विटी ग्रोथ फंड है। सुभाष जी पहला रेगुलर से आप डायरेक्ट में स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे आपका रिटर्न में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा निपॉन इंडिया फोकस फंड की बजाय हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरह ले जाए, लार्ज कैप में आप जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में आप अपना एसआईपी बढ़ा के 6500 करें। अब जब आप बात जब आपने आपके क्वेश्चन में एक और था कि आपको 4 से 5 हजार रुपए का एडिशनल एसआईपी करना है, हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालिसिस किया, यहाँ पे हमारा सुझाव यह है कि आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है तो फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड करें। यहाँ पे हमारा सजेशन यह रहेगा कि आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे 10 साल में। ठीक है सुभाष जी, कोई और सवाल आपका? नहीं सर वही बस यही मुझे सजेशन चाहिए थी। इसमें मैं पहले से 4-5 साल से कर रहा हूँ, मैं निवेश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा अभी मैंने थोड़ा सा इसको टॉप अप किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको सुभाष, उम्मीद करते हैं कि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट आगे और बढ़ाएं और उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है प्रवीण और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण का सवाल श्वेता जी आपके लिए होगा। प्रवीण नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली लक्ष्य है 20 इयर्स के लिए और 1 करोड़ चाहता हूँ मेरा फॉर होम और चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो मैं मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहता हूँ और कुछ चेंजेस करना है या फिर कुछ बढ़ाना है इसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आपका सवाल हमारे पास है, आपकी तमाम डिटेल्स भी हमारे साथ है। तो प्रवीण जी को श्वेता जी क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? जी प्रवीण जी आपने जो लक्ष्य कहा उसके लिए आप आज के दिन पे 5000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो आप करीबन 65 लाख पे पहुंच जाएंगे 20 सालों में। और तो इसीलिए आपको दो चीजें करनी होगी, या तो आप आज 5 की जगह 8000 से एसआईपी कर लें तो आप अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अगर आप आज 8000 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो हर साल आप 10-15% अपने एसआईपी को आप स्टेप अप कर दीजिए, ये भी आपको करीबन करीबन 1 करोड़ के लक्ष्य तक ले जाएगा। मैं आपके स्कीम्स पे आती हूँ। दो स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में है वो बेहतरीन स्कीम्स है, आप उन्हें एसआईपी जारी रखें और ये बेसिकली होगी कोटक की इमर्जिंग इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू की लार्ज एंड मिड कैप वाली जो स्कीम है ये अच्छी है। निपॉन की जो आपकी दो स्कीम्स है वहां मैं आपको सलाह दूंगी कि एसआईपी रोक दे, इन्होंने आज तक आपको अच्छा रिटर्न दिया होगा लेकिन आगे जाके इनसे कुछ बेहतरीन स्कीम्स जो हो सकती है अपने पोर्टफोलियो के लिए। एक मैं आपको कहूंगी एक स्मॉल कैप फंड का एक्सपोजर ले लें, तो यहाँ पे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की एसआईपी जोड़ लें और एक क्वांट का एक्टिव फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें, ये मेरी सलाह है आपके लिए। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई प्रवीण जी, उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए। चलिए
अगला सवाल प्रदीप का है हमारे पास। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप का सवाल समीर जी आपके लिए है। प्रदीप कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैंने अभी फरवरी 2024 से स्टार्ट किया है, मेरी एज 53 है और मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 8 म्यूचुअल फंड ऐड किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, पहले तो ये बताइए प्रदीप जी कि कोई लक्ष्य है आपका, कुछ आपके लक्ष्य, आपका नजरिया, कितने सालों में कोई रकम आप जुटाना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य है कि मैं 10 साल में करीब मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, ठीक है, तो 10 साल 2 करोड़ का लक्ष्य। बाकी डिटेल्स समीर जी आपके पास है ही, प्रदीप जी को जरा बेहतर तरीके से गाइड कीजिए। प्रदीप जी पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपने स्कीम का बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन किया है, आपके आपके स्कीम का सिलेक्शन सही है। अब आपका अभी करंट SIP 22,500 का चल रहा है और आपने सवाल आपने ये भी बताया कि आप हर साल 10% उसके अंदर स्टेपअप करना चाहते हैं। अगर हम ये दोनों कंसिडर करते हैं तो 10 साल में आप करीबन 76 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। अब आपका लक्ष्य 2 करोड़ रुपए का है अगले 10 साल में, तो यहाँ पे हमारे 2 सुझाव रहेंगे। पहला, आप इमीडिएटली आप 50,000 का SIP बढ़ा कर दें और हर साल उसके अंदर 15% का टॉप अप करेंगे, तब जाके आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से हासिल कर पाएंगे। दूसरा हमारा सजेशन ये है कि अगर आपको इमीडिएट 50,000 का SIP नहीं करना है तो आप अपना समय अवधि 10 साल की बजाय 14 साल कर ले और करंट जो SIP आपका SIP वैल्यू है 22,500 का वो आप कंटिन्यू रखें और 10% की बजाय अगर आप 15% स्टेप अप हर साल करते हो तभी भी आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। दूसरा, मैंने आपका पोर्टफोलियो डिटेल में हमने एनालिसिस किया, यहाँ पे एक सुझाव ये है कि आपके 2 लार्ज कैप फंड है, एक है ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और दूसरा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दोनों ही बेहतरीन फंड है, बट हमने एक एनालिसिस हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये आ रहा है कि ये दोनों के पोर्टफोलियो में करीबन 65% पोर्टफोलियो सेम है, तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि बजाय की 2 स्कीम आप उसको क्लब करके 1 स्कीम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आपके पोर्टफोलियो और आपके सवाल के प्रति का रिस्पॉन्स है। प्रदीप जी उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको हम शामिल करते हैं अपनी इस चर्चा में। राजेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी का सवाल श्वेता जी आपके लिए होगा। राजेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को 15 साल में 1 करोड़ बनाना था और इसमें मैंने 5 SIP कर भी रखे हैं, 5 फंड चूज कर रखे हैं। इसमें पहला तो है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप। जी जी हेलो। जी जी पूछिए। हाँ प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप का है और एक ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड है, एक निपोन इंडिया मल्टी कैप है, एक क्वांट स्मॉल कैप है और एक HDFC मिड कैप है अपॉर्चुनिटी। हाँ तो ये फंड सही हैं या फिर मैं इनको चेंज करूँ या स्विच करूँ किसी में? ठीक है, तो चलिए आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। श्वेता जी तमाम डिटेल्स आपके पास हैं, कोई सवाल अगर आप राजेश से जानना चाहती हैं उनके लक्ष्य और बाकी चीजों को लेकर तो जरा बताएं। जी राजेश जी, आपने कहा आपको 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंचना है 15 साल में, लेकिन आज के दिन पे हम 8,000 की SIP कर रहे हैं हर महीने। अब अगर मैं इक्विटी का लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देख लूं तो इस तरीके से अगर हम चलते चले तो 50 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, एक तो हम ये कि आज ही से 8,000 के SIP के जगह 17,000 की SIP कर लें, तो SIP के अमाउंट को आप डबल कर दें तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आप आज 17,000 से नहीं शुरू कर सकते तो आप हर साल 15 से 20% कम से कम अपनी SIP के अमाउंट को स्टेप अप कर लें और लक्ष्य को 15 साल की जगह 17 या 18 साल तक ले जाएं, तब भी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ये था एक SIP अमाउंट के लिए मेरी सलाह
स्कीम्स पे मैं आती हूँ. आपने कहा यू नो आपके स्कीम्स काफी बेहतरीन रही हैं और अब तक इन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन कुछ सुझाव यहाँ पे. आप क्वांट स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप की जो एसआईपी है उसे जारी रखें. आपकी जो एक एसआईपी है कमोडिटी फंड में जा रही है, वहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही टाइम पे निकल जाए, बिकॉज यू नो वो साइकिल बदल सकती है उस एसेट क्लास की. तो वहां पे यू नो शायद आप सही तरह से उसे टाइम ना कर पाए, सही टाइम पे निकल जाना, तो वो एक एसआईपी आप रोक लें. उसके अलावा निपॉन की फंड ने आपको मैंने कहा अच्छी रिटर्न दी होगी, बट आगे जाके मैं सलाह दूंगी आपको, आप यू नो एक क्वांट का एक्टिव फंड ले लें. इसके अलावा पराग पारिक के जगह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा होगा, और आईसीआईसीआई कमोडिटी फंड के जगह आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड बेहतर रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई. राजेश जी कुछ और जानना चाहते हैं आप? नहीं सर, यही चाहिए था और तो कुछ नहीं सर. ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. इन सब के बीच में जरा कॉलर्स को अब हम रोकेंगे और कुछ जो अहम पहलू हैं खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स को लेके वो जरा समीर जी से हम समझने की कोशिश करते हैं. समीर जी, एक जो एक समय होता है जब बाजार में तेजी नजर आती है और उसमें बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, आमतौर पे आम निवेशक जो होता है ये बाजार की चाल और बाकी चीज़ों के फैक्टर में एसआईपीज को लेकर कई बार भ्रम में फंस जाता है. ऐसे निवेशकों को क्या सलाह होगी, किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे प्रशांत जी, मेरा सजेशन इन्वेस्टर के लिए ये है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा लक्ष्य लंबा ही रखना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव मार्केट के आते हैं उसको ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए. जैसे आपने बताया, मार्केट जब ऊपर होता है तब कस्टमर ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते रहते हैं, पर जब मार्केट गिरना शुरू होता है, जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है, तब ज्यादातर हमने देखा है कि कस्टमर अपना इन्वेस्टर अपना एसआईपी बंद करवा देते हैं, पैसा रिडीम करवा लेते हैं और अपने गोल से थोड़े दूर चले जाते हैं. इंपॉर्टेंट सजेशन जब मार्केट ऊपर होता है तब ये रहता है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन जो भी आपने फिक्स किया है उसमें रेगुलर रीबैलेंसिंग करना चाहिए. रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है जैसे हर साल आप एक बार अपने पोर्टफोलियो को डिटेल देखें, आपने सपोज 65% इक्विटी में और 35% डेट में रखा है, तो ये कॉम्बिनेशन आप कंटिन्यूस ईयरली लेवल पे मेंटेन करें. इसके दो फायदे होंगे. अगर मार्केट ऊपर है तो ये टाइम पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके डेट की तरफ आप अपना इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तब आप देखोगे कि आपका इक्विटी का परसेंटेज कम हो गया होगा, डेट का बढ़ जाएगा, वो फेज में आप डेट रिडीम करके इक्विटी में डालेंगे. इससे आप प्रॉफिट बुकिंग टाइमली कर पाएंगे, और अगर मार्केट गिर रहा है तो आप उसको एवरेजिंग करके आप अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये है कि साल में एक बार आप अपना जो भी आपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस पोर्टफोलियो के लिए पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज रखा है इक्विटी वर्सेस डेट का, वो हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग रेगुलर करें. ठीक है, तो ये सलाह जो बाजार की चाल पे कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और अपने निवेश को लेकर थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके लिए समीर जी की. समीर जी, एक और सवाल है, और ये सवाल में हम बार बार इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं बहुत नए निवेशक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं. किस तरह से ये पैमाना है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, फंड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए और किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए? किसी का रिस्क एपेटाइट अगर देखें उस लिहाज से अगर उनको सलाह देनी हो तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सो प्रशांत जी, पहला आपका क्वेश्चन था कितने फंड्स होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 फंड. 7 से ज्यादा फंड हम अपने इन्वेस्टर्स को कभी सजेस्ट नहीं करते, 7 से ज्यादा फंड रखे. दूसरा, फंड का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, तो ये एज के हिसाब से होता है. जैसे अगर इन्वेस्टर का एज 30 से नीचे है तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि, और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी अवधि रहती है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे वो थोड़ा अग्रेसिव कॉल ले सकते हैं. जैसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड रख सकते हैं. इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन में ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना चाहिए.
जैसे जैसे उम्र में वो आगे बढ़ते हैं वहां पे उनको ब्लू चिप की तरफ एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर स्मॉल मिड कैप में कम करते जाना चाहिए। जब इन्वेस्टर 50 साल की एज के आसपास आ जाता है वहां पे हम सजेस्ट करेंगे कि पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें और अपना पोर्टफोलियो 30% से 30% के करीब का ही मिड कैप और स्मॉल कैप में रखें ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस करके रिटर्न ले पाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनको वक्त वक्त पर हम रिकॉल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो नए दर्शक हैं, नए निवेशक हैं जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं उनको इन सारी चीजों का फायदा मिले। चलिए अब अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। कपिल मल्होत्रा हैं हमारे साथ इस वक्त। श्वेता जी, कपिल का सवाल आपके लिए होगा। कपिल नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी कपिल, आवाज आ रही है? जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैंने सवाल तो अपना भेज रखा है जी, जी। कि मैं पिछले 8 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। और जो मेरी अभी फिलहाल चल रही हैं, जो फंड्स चल रहे हैं, वो उसकी सबकी डिटेल्स आपको भेजी हुई है। ठीक, और अभी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 29 लाख है। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई लक्ष्य आगे के लिए आपका? सर, मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, अभी मेरी एज 43 इयर्स है। ठीक है, तो अपने अभी अभी एक SIP में कुछ बढ़ाना चाहता हूँ फंड, उसके लिए भी मेरे को उनसे जानकारी चाहिए कि मैं किस फंड के एक 3,000 रुपए की SIP और बढ़ानी है। ठीक है, पहले तो मैं ये कहूंगा कपिल आपको कि वाकई आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को इतने बेहतर तरीके से बनाया कि आज आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। आगे बड़े लक्ष्यों की आप देख रहे हैं, बदलाव भी आप चाहते हैं। श्वेता जी के पास पूरी डिटेल है, वो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगी। श्वेता जी बताइए क्या आपकी सलाह होगी। जी कपिल जी, आपका जो लक्ष्य है मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि अगर आपने इसी तरह से SIP जारी रखी और क्योंकि आप काफी साल से इक्विटी में SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं, अगले 13 साल में 13 से 15 साल में जब आप रिटायरमेंट की ओर पहुंचेंगे तो आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर चुके होंगे। बस एक चीज आप ध्यान में रखें, महंगाई को ध्यान में जरूर रखें कि अगर आपको आज लग रहा है कि आपके लिए रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ काफी होंगे तो ये ध्यान में जरूर रखें कि महंगाई भी करीबन 7% से बढ़ रही है। तो आज का 2 करोड़ क्या आपको 13 साल बाद वही फायदा देगा या आपको लक्ष्य अपना बढ़ाना चाहिए? तो ये एक फूड फॉर थॉट है जो मैं आपको छोड़ रही हूँ। जिसके साथ अब मैं आती हूँ आपके फंड्स पे। आपके फंड्स में मैंने 2 चीजें देखी। एक तो बहुत 3 फंड आपके 5 फंड में से स्मॉल कैप है, तो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप है या एक मार्केट कैप पे एम्फेसिस है? आपके पोर्टफोलियो में आप करीबन 25% का स्मॉल कैप एक्सपोजर रख सकते हैं, वो अच्छा होगा। तो इसीलिए 2 फंड्स जो मैं आपको SIP रोकने की सलाह दे रही हूँ वो स्मॉल कैप वाले हैं, कैनरा और SBI स्मॉल कैप। आपका जो HDFC स्मॉल कैप का फंड है वो आप जारी रखें। SBI का मिड कैप फंड, यहाँ भी आप SIP जारी रखें, लेकिन बंधन का जो वैल्यू फंड है और HSBC स्मॉल कैप, ये भी दूसरा फंड है, यहाँ SIP रोक लें। एक और आपके पास है टेक्नोलॉजी वाला फंड, टाटा डिजिटल फंड, यहाँ भी सही समय या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट कर जाने के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम 10 साल तक SIP कंटिन्यू करें तो आप कोई भी सेक्टर फंड ना लें, आप डाइवर्सिफाइड फंड लें अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो कुछ फंड जो आप जोड़ सकते हैं, SBI का ही एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी बेहतरीन फंड है, उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। आदित्य बिरला का मल्टी कैप फंड, कोटक का एमर्जिंग फंड, और इसके अलावा चाहे तो एक DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्योंकि आप SIP बढ़ाना भी चाहते हैं 3,000 से, तो ये 4 फंड मैं आपको नए सलाह दूंगी। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। अनुराधा ओझा हमारे साथ इस वक्त हैं। समीर जी, सवाल अनुराधा का आपके लिए होगा। अनुराधा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं और पूछिए क्या जानना चाहती हैं जी? सर, मैं
मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अगले 2 से 3 साल में घर खरीदने का प्लान कर रही हूँ और बाकी भी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देख रही हूँ। तो मेरा अभी पोर्टफोलियो मैंने भेजा है जिसमें मेरा आई एसेट ब्लू चिप इमर्जिंग फंड में 2500 रुपये SIP है, एक क्वांट स्मॉल कैप में 7000 की है और PGIM फ्लेक्सी कैप में मैं अभी तक कर रही थी 5000 एक साल से, बट अभी मैं उसको होल्ड पे किया है और HDFC फ्लेक्सी कैप में स्विच किया है और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5000 SIP है मेरी। तो ये सब अभी मेरा SIP चल रहा है, पिछले 1-2 साल हो गया है मुझे करते हुए। तो अभी मैं घर को कैसे खरीदें, उसके लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, क्या आगे का आगे के लिए ये बजट सही रहेगा इस तरह से प्लान करना, ये पूछना चाह रही हूँ। ठीक है अनुराधा जी, पहले तो आप वाकई आपको बधाई ये देनी होगी कि आप एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़नी है, आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आम निवेशक को समझना। समीर जी बताइए अनुराधा को आपकी क्या सलाह होगी, उन्होंने बाकी डिटेल्स तो अपनी भेजी हुई हैं। अनुराधा जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक गोल सेट कर दिया है कि आप आपको घर खरीदना है अगले 2 से 3 साल में। अब मैंने आपका हमारे पास जब आपका पूरा क्वेश्चन आया हमने थोड़ा एनालिसिस किया, उस पर यह है कि आप अभी करंट मार्केट प्राइस अगर हाउस आपके जो भी फ्यूचर घर खरीदना चाहते हो उसका 90 लाख के करीब है। अगर हम 6% का मॉडरेट इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं तो 2 साल के बाद उसका रफली वैल्यूएशन 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। अब आप अभी करंटली 24,500 रुपए का मंथली SIP कर रहे हैं और थोड़ा जो लमसम आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है ये सबका 2 साल के बाद इसका वैल्यूएशन करीबन 13 लाख समथिंग हो जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको डाउन पेमेंट करने घर के डाउन पेमेंट के लिए हेल्प करेगा और बाकी का 90 लाख का आपको लोन आप लोन लेंगे तो करीबन 90 लाख के लोन पे आपका 81,000 के करीब का EMI बैठेगा। हमारा यहाँ पे सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जब भी हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसके साथ साथ अगर आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री करनी है तो 10,000 रुपए का आप SIP कर ले, 10,000 के SIP कंटिन्यू रखेंगे तो आप 20 साल की अवधि में जो आपने 90 लाख का लोन लिया है उस पर करीबन 1 करोड़ का आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। ये आपको 1 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट फ्री करके देगा ये जो आप SIP करोगे 10,000 की। वो अगर आपका घर 90 लाख रुपीज का उसका वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के साथ 2 करोड़ का करीबन वैल्यूएशन बनता है, ये आपको पूरा का पूरा फ्री चाहिए तो हमारा सजेशन ये रहेगा आप 10,000 की बजाय 20,000 की SIP करोगे तो 20 साल के बाद ये 20,000 का SIP करीबन 2 करोड़ के करीब का वैल्यूएशन पहुंच जाएगा। तो पहला आप अगर इंटरेस्ट फ्री घर करना चाहते हो तो जो भी EMI आता है उसके अंदर 10,000 जोड़ के 81,000 आप एग्जाम्पल आप EMI दे रहे तो 10,000 का SIP कर देना तो आप इंटरेस्ट फ्री घर ले पाओगे। दूसरा पोर्टफोलियो सजेशन की बात करते हैं तो अभी आपके पास सिर्फ 2 साल का अवधि बचा है 2 से 3 साल तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो के लेके ज्यादा कोई सजेशन नहीं दे रहे बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 2 साल छोटा यानी शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाता है। तो आपका जो भी अभी पोर्टफोलियो स्कीम सिलेक्शन है हमने देखा है वो सही है, आप कंटिन्यू रखें और 2 साल के बाद आप जब घर खरीदने जाओगे तो 13-13.5 लाख का करीबन का वैल्यूएशन। अनुराधा जी ये आपको सलाह इस वक्त समीर जी की तरफ से मिलती हुई। कोई और सवाल आपके मन में हो अनुराधा जी तो आप पूछ सकती हैं। जैसे अभी अगर मैं मान के चलूं कि घर खरीदने का मेरा 3 साल में हो जाता है तो आगे के लिए भी मतलब यही इसी तरीके से अगर मैं SIP कंटिन्यू करूं आगे के लिए बाकी गोल्स को एड्रेस करने के लिए तो वो भी सही रहेगा ना फंड्स का मतलब सिलेक्शन। जी समीर जी बताइए कि 1 लक्ष्य हासिल होने के बाद अगर बचत के लिहाज से देखना चाहे अनुराधा जी कि आगे की एक सेविंग के हिसाब से तो क्या इन फंड्स का चुनाव और ये जो राह है वो सही है या उस वक्त नए तरीके से रिव्यू कर लेना चाहिए। अनुराधा जी अभी से 2-3 साल के बाद कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे क्योंकि टाइम टू टाइम मेथड्स चेंज होते हैं फंड इवैल्यूएशन के, तो 2 साल बाद जब आपका घर खरीद लो उसके बाद आप गोल के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा तो हम गोल बेस पे आपका फंड सिलेक्शन आपको हम फंड सजेस्ट करेंगे। तो हाल फिलहाल अगर आपको कंटिन्यू रखना है
तो आप लार्ज कैप फंड कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुराधा जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे संपर्क साधने के लिए। बढ़ते हैं आगे, महेश पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, सवाल महेश जी का आपके लिए होगा। महेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर, सर मैं से बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं महेश जी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से महेश जी से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन महेश का जो सवाल है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है और उनका पोर्टफोलियो की जो तमाम डिटेल्स है वो भी हमारे दर्शक हमारे एक्सपर्ट के पास मौजूद है। श्वेता जी, महेश का सवाल आपके लिए है और इन्होंने टोटल 20,000 की SIP कर रखी है और इनके फंड्स की डिटेल्स भी आपके पास हैं। बताइए, गोल 10 सालों में 50 लाख का है, इस हिसाब से क्या वो लक्ष्य हासिल हो पाएंगे या कुछ बदलाव करना होगा? जी बिल्कुल, महेश जी का जो लक्ष्य है 50 लाख का, वो तो वो आराम से अचीव कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं कुछ सालों से, तो उन्होंने करीबन 2.25 लाख जमा कर लिया है और वो 20,000 से SIP हर महीने करते चलेंगे, तो करीबन 60 लाख के अमाउंट तक वो पहुंच सकते हैं। बस कुछ सुझाव थे इनके स्कीम्स के लिए, हालांकि काफी स्कीम्स उनकी बेहतरीन हैं। तो महेश जी, क्वांट का स्मॉल कैप, कोटक का एमर्जिंग, ICICI फ्लेक्सी फंड, ये आपकी SIPs अच्छी हैं, यहाँ जारी रखें। और कुछ SIP जो मैं आपको रोकने की सलाह देती हूँ वो ये रहेंगी कि मोतीलाल का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है और निपॉन का स्मॉल कैप फंड, यहाँ आप SIP रोक दें। कुछ स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन साइज बहुत बढ़ गई है, तो आगे जाके आप दूसरी अच्छी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ये आप जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में, DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट का वैल्यू फंड और चाहे तो एक मिरे का फोकस इक्विटी फंड, इनमें आप SIP शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सलाह आपको महेश जी, और इस सलाह के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल हम सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ रोकेंगे और अपने दोनों खास एक्सपर्ट समीर और श्वेता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो निवेशक हैं उनका मार्गदर्शन आपने किया, बेहतर तरीके से उन्हें गाइड किया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों का हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार विमेन वेंसडे आपके लिए लेकर आएंगे।